मुल्क भर में खवातीन के तय हो रहे मजालिम और जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ आज शिमोगा शहर में नेशनल वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी खवातीन ने हुकूमत की लापरवाहियों और कानूनी नज़्म व नस्क पर सवार उठाते हुए एतराज़ जताया। खवातीन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वह खवातीन पर हो रहे मुजरिमाना वारदातों पर काबू लाने के लिए सख्त कवानीन अमल में लाए और बिला ताखिर मुजरिमान को मौत की सज़ा दी जाए। इस मौके पर NWF की रुकन उम्मे सलमा उबैद ने बात करते हुए कहा कि हम यहाँ नेशनल वुमेन फ्रंट से ये जो आज जो हमें प्रोटेस्ट के वास्ते जो जमाओं को ही आज का जो मकसद है यहाँ जो औरतों के ऊपर जो जुल्म चल रहा है, जो ज़बरदस्ती चल रही और दिन ब दिन रेप केसेस इतने बढ़ते जा रही कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ ये ज़ालिम गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही, तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ बुलंद करने के वास्ते आज हमें सभी जने हम प्रोटेस्ट के वास्ते जम को हिंसो क्या है कि इतना बढ़ लिख जा रही कि रेप केसेस को भी एक पॉलिटिकल गेम के जैसा कर देती हूँ। तो बीजेपी कांग्रेस ऐसा वैसा जो मैसूर गैंग रेप केस में जो होम मिनिस्टर हमारे जो स्टेटमेंट दी ना उसके खिलाफ क्या है कि हाँ विक्टिमिच उन्हीं से रेप होगा उन्हीं से कल्प्रेट की जैसा ये करती हैं इंडिया में, तो हमें सब क्या कहते हो जो रेपिस्ट है उनको सभी है ना तबका तब सज़ा देना ऐसा करना कि अब क्या होता अब लास्ट है कि असम में जो वाइट स्टूडेंट है उन्हें उसके क्लासमेट के साथ देख के बट उसे कोर्ट है ना जो क्या करी बेल दे डाली, बोल दी कि उन्हें फ्यूचर एसेट कैसा फ्यूचर एसेट उन्हें बाल विक्टिम भी फ्यूचर एसेट ही ना तो ऐसा को बेल देती हैं तो उनको सभी सपोर्ट करती हैं, तो बिना उनको सपोर्ट करे तब का तब उनको सज़ा देना तब का फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस डाल को उनको फांसी की सज़ा सुनाना तब क्या होता दूसरा करने वाला भी सोचता 100 times सोचता सज़ा तब का तब देना सबके सामने देना ये हमें चाहते हैं। उसके वास्ते आज का प्रोटेस्ट रखें कि हमें है ना सेफ्टी ऑफ वुमेन कर सके सेफ्टी ऑफ वुमेन जैसे बहुत बड़ा टॉपिक हो गया अभी इंडिया में आज कल यहाँ मीडिया भी यहाँ जो इंडिया के बारे में जो विक्टिम्स है उनके बारे में सोचना छोड़ को जो आउट ऑफ इंडिया जो है उनके वो वुमेन्स जो अफगानिस्तान वुमेन के लिए बहुत कंसर्न रहती जो यहाँ चल रहा है यहाँ ये कर रही वो क्या भी वो नहीं ब्रॉडकास्ट करते नहीं इसमें जो है ना वो 7 साल की बच्ची तो भी हो या 17 साल की टीनेज हो या 70 साल की बुढ़ी हो किसे भी छोड़ने का एज नहीं है। आप बोलते हैं कपड़े ये वो अब 7 साल की बच्ची कैसे कपड़े पहनती 7 साल या 4 साल की बच्ची उन्हें कैसा लुभाती क्या ऐसे तो क्या भी नहीं ना। उसके हमें कहीं बाहर जाने के वजह से आजकल डरती हैं अब मैसूर में यूनिवर्सिटी में सर्कुलर इश्यू करे फिर वापस लिए करना होना कि आफ्टर 6 कौन भी जाना नहीं ये सब नहीं कर सकता। अब इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री हमारी जो है मगर वो इंडिपेंडेंट जो नहीं वो हर हमेशा एक लेडी है ना डर के साथ तो जीना वैसा हो गया आज का माहौल यहाँ का। उसके ऐसे माहौल को रोकने वास्ते जो सेफ्टी के वास्ते जो रेपिस्ट को सब सज़ा देना उनको जल्द से जल्द देना उनको उसके ऐसे मुझे प्रोटेस्ट रखो हिंसो यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट इनकलाब न्यूज़ शिमोगा।